संभल से जहां किसान नेता को मंत्री जी ने धमकाया है। संजीव बालियान ने किसान नेता को मंच से ही धमका दिया है। किसानों का विरोध देखकर मंत्री जी अपना आपा खो बैठे और किसान नेता को मंच से ही मंत्री जी ने धमका दिया। मंच से मंत्री जी ने हरपाल सिंह को ललकारा कि जितने लोगों को लेकर आए हैं उतने लोग मेरे यहाँ हुक्का भरते हैं। संजीव बालियान ने कहा, उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे ज्यादा हल चलाया है, आंदोलनों में तुमसे ज्यादा मैंने देल काटी है। संजीव बालियान अपना आपा खो बैठे और उन्होंने यहाँ से ललकार दिया है किसान नेता को। उन्होंने कहा कि तुमसे ज्यादा मैं पढ़ा लिखा हूँ, कोई फायदा नहीं है, चले जाओ। अब मेरे सामने आजम खान नहीं बोल पाता तो तुम्हारी क्या औकात है। संजीव बालियान अपना आपा खो बैठे और किसान नेता को उन्होंने धमकाया है। तमाम बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि आजम खान को मुजफ्फरनगर में घुसने नहीं दिया। संजीव बालियान ने कहा, संजीव बालियान अपना आपा खो बैठे क्योंकि लगातार किसान विरोध कर रहे थे, उसको देखकर मंत्री जी अपना आपा खो बैठे और मंच से ही किसान जो नेता है उसको ललकार दिया है संजीव बालियान ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तुमसे ज्यादा मैंने हल चलाया है, तुमसे ज्यादा ऐसे आंदोलनों में मैंने भाग लिया है, तुमसे ज्यादा मैं पढ़े लिखा हूँ और जितने लोग तुम यहाँ पर आए हो उससे ज्यादा लोग मेरे घर हुक्का भरते हैं। बता दें आपको, संजीव बालियान जो मंत्री है उन्होंने ललकारा है किसान नेताओं को क्योंकि किसान लगातार विरोध कर रहे थे, जिसे देखकर आपा खो बैठे संजीव बालियान और उन्होंने मंच से ही ललकार दिया है। संजीव बालियान ने किसान नेता को मंच से ही धमका दिया है। उन्होंने कहा, आंदोलनों में तुमसे ज्यादा मैंने जेल काटी है, तुमसे ज्यादा मैं पढ़ा लिखा हूँ और तुम जितने लोग तुम यहाँ पर आए हो उनसे ज्यादा मेरे घर हुक्का भरते हैं, तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, यहाँ से चले जाओ क्योंकि आजम खान तक मेरे आगे नहीं बोल पाते, तो तुम्हारी क्या औकात है, आजम खान को मैंने मुजफ्फरनगर में घुसने नहीं दिया था। तो संजीव बालियान ने अपना आपा खो बैठे क्योंकि किसान विरोध कर रहे थे और मंच पर मंत्री जी बोल रहे थे, इसी दौरान अपना आपा खो बैठे मंत्री जी और यहाँ पर किसान नेता को ललकार दिया है। साफ तौर पर कहा कि तुमसे ज्यादा मैं पढ़ा लिखा हूँ, कोई फायदा नहीं है, यहाँ से चले जाओ और जितने लोग तुम यहाँ पर आए हो उससे ज्यादा लोग मेरे घर हुक्का भरते हैं, तुम लोगों से ज्यादा मैंने हल चलाया है, तुमसे ज्यादा मैंने ऐसे आंदोलन में जेल काटी है। वहीं आजम खान की जिक्र करते हुए बोले कि आजम खान को मैं अपने आगे नहीं बोलने दिया, तो तुम्हारी क्या औकात है। संजीव बालियान यहाँ पर अपना आपा खो बैठे, बता दे आपको कि किसान विरोध कर रहे हैं, लगातार अपने मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर किसान विरोध प्रदर्शन अपना लगातार दिखाते हैं नेताओं के आगे। और संजीव बालियान भी मंच से कुछ बोल रहे थे, इसी दौरान जब विरोध उन्होंने किसानों का देखा तो मंत्री जी अपना आपा खो बैठे और मंच से ही ललकार दिया। साफ तौर पर कहा कि तुमसे ज्यादा मैंने हल चलाया है और तुम जितने लोग यहाँ पर आए हो उससे ज्यादा मेरे घर लोग हुक्का भरते हैं और ऐसे आंदोलनों में मैंने तुमसे ज्यादा जेल काटी है, तुमसे ज्यादा मैं पढ़ा लिखा हूँ और आजम खान तक तो मेरे आगे बोल नहीं पाते, तो तुम्हारी क्या औकात है। तो किसानों का विरोध देखकर मंत्री जी अपना आपा खो बैठे हैं और मंच से ही हरपाल सिंह को ललकार दिया है। बता दें आपको, किसान नेता को ललकारा है मंच से ही कि जितने लोगों को लेकर तुम यहाँ आए हो उतने लोग मेरे घर हुक्का भरते हैं और तुमसे ज्यादा मैंने हल चलाया है, तुमसे ज्यादा मैं पढ़ा लिखा हूँ और तुमसे ज्यादा ऐसे आंदोलनों में मैंने जेल काटी है। संजीव बालियान ने कहा, ये संजीव बालियान ने उस दौरान कहा जब संजीव बालियान अपना आपा खो बैठे क्योंकि किसान विरोध कर रहे थे, मंच पर मंत्री जी बोल रहे थे और इसी दौरान मंत्री जी अपना आपा खो बैठे और मंच से ही किसान नेता को ललकार दिया। साफ तौर पर कहा कि मैं तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ और आजम खान तक को तो मैं अपने सामने बोल नहीं देता, तो तुम्हारी क्या औकात है। तो संभल से अहम खबर, जो किसान नेता को मंत्री जी ने धमका दिया, संजीव बालियान ने किसान नेता को मंच से ही धमका दिया क्योंकि किसान विरोध कर रहे थे, जिसको देखकर अपना आपा मंत्री जी खो बैठे और वो भूल गए कि वो एक मंच पर हैं और इस मंच से ही उन्होंने किसान नेता हरपाल सिंह को ललकार दिया है। उन्होंने कहा कि जितने लोगों को लेकर तुम यहाँ आए हो उतने लोग मेरे यहाँ हुक्का भरते हैं, वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे ज्यादा हल चलाया है। संजीव बालियान ने यह भी कहा कि मैं तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ और ऐसे आंदोलनों में मैंने तुमसे ज्यादा जेल काटी है। बालियान जी को ज्ञापन दे रहा हूं।